मौत की सुनामी के बीच जब खबर अच्छी है तो दिल को सुकून जरूर मिलता है और ये है इंडिया का असली मकसद भी यही है। खबरों की सकारात्मकता आपके सामने एक एक पेश की जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोरोना जैसी महामारी देश के हर कोने को मौत के मंजर में बदल दे। ये है इंडिया में आज बात। देश में कोरोना विस्फोट की नहीं बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में कुछ कोरोना योद्धाओं की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका, यह है इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल। तो कोरोना महामारी से तहकती चिताओं के बीच देश चल रहा है। इस कोरोना के तांडव से पूरे देश में लगातार मौतें हो रही है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है। इस गुस्से के बीच मजबूरी ये है कि कोई अपनों को तलाश रहा है तो कोई अपनों के लिए तरस रहा है। कोरोना त्रासदी की उखड़ती इन तस्वीरों के बीच एक असली सच ये भी है कि कुछ लोगों में इंसानियत आज भी जिंदा है, क्योंकि ये अपना प्यारा इंडिया है। इस तनाव भरे समय में ये है इंडिया की कुछ तस्वीरें, वाकई सुकून देने वाली हैं। कोरोना से देश के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम शमशान घाटों से लेकर अस्पतालों में तड़पते मरीजों की तस्वीर आपके जहन में जरूर खौफ पैदा करेंगी, लेकिन ये है इंडिया में आज तस्वीर कुछ अलग है। अस्पताल अब लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब किसी के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देता है। और इसीलिए भगवान के रूप में कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां कोरोना होने पर अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन ये है इंडिया की एक सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अनजानों की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये है इंडिया में सुकून देने वाली ये पहली तस्वीर। दरअसल ये लखनऊ की रहने वाली वर्षा है और कोरोना काल में वर्षा का काम इसलिए काबिले तारीफ हो जाता है कि अपने खास दोस्त को खोने के बाद भी वर्षा अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जीती है जिन्हें कोई अपना भी पहचानने से या तो इनकार कर देता है या फिर उनका कोई अपना होता ही नहीं, क्योंकि ये अपना इंडिया है। वर्षा इस कोरोना काल में अपनों के द्वारा छोड़ी हुई लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती है। हिंदू समाज में कहा जाता है कि महिलाएं कभी शमशान घाट नहीं जाती, लेकिन वर्षा अपने इस इंडिया के लिए जो काम कर रही हैं वो हर किसी को सीख देने वाला है। ऐसे में उनका ये काम लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वर्षा ऐसी लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती हैं जिन्हें अपने भी ठुकरा देते हैं। इतना ही नहीं, वर्षा फ्री शव वाहन तक चला रही हैं। वर्षा एक कोशिश ऐसी भी नाम की संस्था चलाती हैं। वर्षा बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग कोरोना के डर से अपनों की लाशें अस्पतालों में ही छोड़कर चले जाते हैं तो और उन लाशों का दाह संस्कार नहीं हो पाता है। ऐसे में उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। ऐसे में वर्षा ने एक किराए की वैन ली और इसकी सीट एम्बुलेंस जैसी करके उसमें शव वाहन बना दिया। लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए वर्षा ने वैन में निशुल्क शव वाहन भी लिखवाया, इसमें अपना संपर्क नंबर भी लिखा। तो ये थी इंडिया की पहली तस्वीर और सुकून देने वाली तस्वीर। चलिए, ये है इंडिया की अब दूसरी तस्वीर देखिए। देश की मौजूदा स्थिति ये हो चली है कि अपने ही अपनों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना ने तो देश की तस्वीर ही बदल डाली। लेकिन नोएडा पुलिस की दरिया दिली देखिए, जिनका कोई नहीं होता उनका अंतिम संस्कार नोएडा पुलिस कर रही है। पुलिस न सिर्फ ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कर रही बल्कि ऐसे शवों को आखिरी कंधा भी दे रही है जिन्हें उनके अपनों ने ही छोड़ दिया है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 19 की है, जहां 52 साल के एक व्यक्ति की घर पर कोरोना के चलते मौत हो गई। उनका शव कई घंटे घर में पड़ा रहा, पड़ोसी मदद के बजाय घर छोड़कर चले गए। तो सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अंतिम निवास तक भिजवाया। बेटी और माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अंतिम संस्कार कर सके। इसके बाद पुलिस मदद को आगे आई और व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने कंधों पर लकड़ी ठोकर चिता भी लगाई, फिर शव को लिटाया। इसके बाद एक बेटी ने बेटा बनकर पिता को मुखाग्नि दी।
ये है इंडिया की अगली तस्वीर, और भी ज्यादा सकारात्मक है। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो कई बार अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। में जीती जागती मिसाल पैदा की है मुंबई के रहने वाले शहनवाज शेख। लोगों के लिए उस वक्त मसीहा बन गए जब उन्होंने कोरोना के चलते मौत की आगोश में समा रहे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए अपनी 22 लाख रुपए की गाड़ी भी बेच दी। शहनवाज शेख ने अपनी फोर्ड एंडेवर की बिक्री के बाद मिले पैसों से शहनवाज ने 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने एक वॉर रूम भी तैयार किया। दरअसल शहनवाज बताते हैं कि संक्रमण काल की शुरुआत यानी पिछले साल उनके एक दोस्त की पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी से एक ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब मुंबई में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेंगे। लोगों तक समय पर मदद पहुंचाने के लिए शहनवाज ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और एक वॉर रूम भी बनाया, जिससे उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की। आपने सुना और देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं, और अब ऐसी एक तस्वीर और सामने आई है जिसे देखकर लोग बेहद खुश हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब भी आप जाएंगे तो लंगर होता है जहां पर आपको प्रसाद दिया जाता है, लेकिन क्या हो जब लंगर में ऑक्सीजन मिलने लगे। वहीं हॉस्पिटल में बेड्स न मिलने और ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की परेशानी ज्यादा पड़ गई है। ऐसे में गुरुद्वारा इंद्रपुरम में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई है। गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि लोगों की ऑक्सीजन के चलते हो रही परेशानी के बाद उनकी जान बचाने के लिए एक मदद की मुहिम शुरू की गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना ये भी है कि अगर कोई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है तो हम अपनी गाड़ी भेजकर उसे बुला रहे हैं, और जब तक उसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल जाता तब तक ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। हालांकि प्रबंधन ने साफ किया है कि हम किसी के घर पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, इंद्रापुरम से, गुरुद्वारा इंद्रापुरम प्रेसिडेंट, फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आप लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंद्रापुरम में आ सकते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे से चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। आप गुरुद्वारा इंद्रापुर में आइए, खालसा इंटरनेशनल आप लोगों को सिलेंडर नहीं दे सकता बट ऑक्सीजन आपकी गाड़ी में पहुँचा सकता है। अभी तक लोग मेरठ से, मुजफ्फरनगर से हमारे कॉल आ रहे हैं और हमें अभी तक दिल्ली के कोने कोने से कॉल आ रहे हैं। हम लोगों को इस सेवा के लिए बुला रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों की जान नहीं जाने देंगे। आज जान इतनी सस्ती होगी लोगों की एक ऑक्सीजन की वजह से, लोग घरों पे मर रहे हैं, उसके लिए एक हमने एक उपाय किया है कि कम से कम एक ऑक्सीजन की वजह से जान ना जाए। वो आप ऑक्सीजन पे लाइए और तब तक हॉस्पिटल का इंतजाम हो जाएगा। ये फर्स्ट है ओनली, हम गाड़ी में आपको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करा सकते हैं। आपके पेशेंट गाड़ी में रहेगा, गाड़ी में मास्क पहुंच जाएगा और 2-4 घंटे उसको ऑक्सीजन देंगे, लेवल बराबर आ जाएगा, तब तक आप हॉस्पिटल सर्च कर लीजिए। ये सेवा हमारी इंद्रापुरम गाजियाबाद चल रही है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9097041313, 9097041313, 9097631313, 9097137613313। आप कोई भी आपको डिटेल चाहिए, आप गुरुद्वारा इंद्रापुरम जो इस इंद्रापुरम मंगल चौक के पास है, यहाँ पे ये सेवा दी जा रही है और साथ में टेस्टिंग की भी सेवा हो रही है। कोविड टेस्टिंग की सेवा भी यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, पिछले 1 साल से लोगों को सेवा दे रहे हैं। आपको किसी को जरूरत हो गुरुद्वारा इंद्रापुरम आइए, हम आपको ये सेवा देंगे।
जहां कोरोना के इस खतरनाक समय में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वहां आज लोग ही एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से इस समय सरकार की नाकामी और बद इंतजामी सामने आई है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। और इससे एक बात तो साफ हो गई है, कोरोना की इस महामारी ने लोगों को उनके धर्म जाति भुलाकर बस सबके मन में एकता ला दी है, और इसीलिए लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और जो अपनी तरफ से जितना कर सकता है और जिस तरह से कर सकता है वो वैसे मदद कर रहा है। ये है इंडिया में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए।